कल्याणपुर क्षेत्र के अरावा चौहान में नवनिर्मित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय महोत्सव सम्पन्न हुआ। मुख्य ध्वजा व कलश की चढ़ाया गया, श्रद्धालु ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते पुष्प व गुलाल की वर्षा की गई। कलश यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा, वहीं यज्ञ का भी आयोजन हुआ। वहां श्री राम की प्रतिमा का मंत्रोच्चारण के बीच साधु संतों ने प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1008 नृत्य गोपाल राम महाराज शिवाना सहित ग्राम निवासी व साधु संत मौजूद थे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत आयोजित 2 दिवसीय हवन में कहीं जोड़ों के साथ ग्रामीणों ने श्रद्धापूर्वक भाग लेते हुए आहुतियां दी। समारोह के बाद प्रसादी का आयोजन हुआ। गुरुवार सुबह से भक्तों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान भक्त सामूहिक हवन कर सुख शांति की मंगनत मांगी। राम मंदिर प्रतिष्ठा में पूर्व राजस्व मंत्री आशाराम चौधरी, कल्याणपुर प्रधान उमेश सिंह, अरावा सरपंच प्रतिनिधि करनाराम पटेल, डॉक्टर दिलीप करण राठौर, महेश बी चौहान बालूतरा, पूर्व विधायक शिवाना कान सिंह कोटड़ी आदि गांव के मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं कल्याणपुर प्रधान उमेश सिंह अरावा ने माता का 116 जन्म पूरे होने पर संपन्न पत्र दिया गया। माता रामकवर धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नेन सिंह करणोत को सम्मान पत्र माला पहनाकर ग्रामवासियों ने आशीर्वाद लिया। रामकवर 116 वर्ष पूरे होने पर आज भी प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देश सी खान पान का परिचय दिया। रामकवर आज भी पूरे से 32 दांत सही व सुरक्षित हैं। वहीं महादेव मंदिर की कलश की बोली प्रधान उमेश सिंह अरावा की रही। राम मंदिर मुख्य ध्वजा की बोली हीरा राम केवल राम पुत्र हेमाराम पटेल की रही। जल यात्रा कलश यात्रा पूजन जितेंद्र पटेल, छंगनाराम पटेल, गोकुल राम पटेल की रही। जल यात्रा में पुष्प वर्षा व गुलाल की संपूर्ण व्यवस्था जितेंद्र पुत्र छताराम पटेल की रही। स्वागत व साफा व माला की व्यवस्था विजयराम धनाराम चौधरी की रही। भगवान श्री राम की मूर्ति विधि विधान से स्थापित की गई। वहीं संपूर्ण अरावा चौहान में महिलाओं और बुजुर्गों में उत्साह नजर आया। वहीं मंच संचालन पूर्ण सिंह जाखड़ मंच संचालन करते हुए आए साधु संतों का और अतिथियों का आभार प्रकट किया। वहीं कल्याणपुर पंचायत समिति के प्रधान उमेश सिंह अरावा ने मीडिया कर्मियों का भी आभार प्रकट किया। अरावा स्वान में जो राम मंदिर प्रधान प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, उसको लेकर गांव में जो उत्साह है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समस्त ग्राम अरावा स्वान की तरफ से मीडिया कर्मी पत्रकार गण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारे यहाँ एक हफ्ते से भगवान राम दरबार का जो आज समारोह रखा गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें हमारे विशेष करके युवाओं का बहुत भारी उत्साह है। और युवाओं के साथ साथ में माताएं वो बहुत अधिक उत्साह के साथ में एक हफ्ते से यह नाच गाना वगैरह, और कल जो जल यात्रा निकली थी सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पैदल चल करके 5 किलोमीटर की परिक्रमा भगवान के नाम की है। और यहाँ जो भी हमारी व्यवस्था थी उसमें विशेषकर युवा गांव के सतीश कौम के मौजूद गण ने अपना बढ़ चढ़ के भगवान के इस समारोह को भव्य बनाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। और मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक और आज इस कार्यक्रम में जो भी भक्त आए उन सब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसको लेकर क्या खुशी है? बहुत खुशी हुई। आज राम मंदिर को लेके बहुत ही कुछ देखने को मिला। और यहाँ राम मंदिर की प्रतिष्ठा नज़दीक के गांवों में ये हुई है। और जैसी अयोध्या में खुशी थी ऐसी ही आज अरावा गांव में खुशी हुई है। और सभी अड़ोस पड़ोस के गांव वाले सभी मौजूद रहे, इस खुशी को लेकर हम सब प्रसन्न हैं। धन्यवाद। कल्याणपुर तहसील से संवाददाता श्रवण वैष्णव की रिपोर्ट।